हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारे पास क्लास 11th का हमारा 9th चैप्टर जो चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 9.3 करेंगे, हमारी जो 11th क्लास के अंदर है। ठीक है, हमारा 9th चैप्टर, हमारी 9.3 के अंदर हमने जो पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप एपी के बारे में ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। एपी हमारे पास क्या था, एक ऐसी स्क्वेंस, ठीक है, जिसके बीच में आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहे। आपने ए प्लस डी ये चीज़ पढ़ी सारी, ए प्लस टू डी। यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी किसको कहते हैं, इस चीज़ को तो हमने एपी कहा। अब जीपी किसको कहा जाएगा, जिनके बीच में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया भी था, जीपी का मतलब यहाँ पर कॉमन रेशो आपकी सेम रहेगी। ठीक है ना, अगर कॉमन रेशो सेम है तो वो आपकी स्क्वेंस क्या कहलाएगी, जीपी के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर पहली ए है तो दूसरी ए आर, रेशो निकालनी है मुझे ए आर स्क्वेयर, ये जनरल टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने जो लिखी है वो जनरल टर्म लिखी है। किस तरीके से रेशो आपकी सेम आ रही है, आप डिफरेंस कैसे निकालते थे, आप जैसे फर्स्ट डिफरेंस निकालते थे तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते थे, आप सेकंड डिफरेंस निकालते थे तो आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाते थे, आप थर्ड डिफरेंस निकालते थे आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाते थे। आपके पास जब ये डिफरेंस सेम आता था, ठीक है, ये डिफरेंस आपके पास सेम आ जाता था, तब आप डिक्लेयर करते थे कि ये टर्म है जो स्क्वेंस है आपकी, वो आपके एपी के अंदर है। यहाँ रेशियो में क्या रहेगा, आप क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो निकालते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, फिर आप सेकंड रेशियो निकालते हैं, आप थर्ड रेशियो को, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, सॉरी, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड रेशियो चेक करते हैं, आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेशियो सेम आती है। ठीक है, रेशियो सेम आने से आप डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो ये स्क्वेंस है वो जीपी के अंदर है। ठीक है, वो जीपी में है। जैसे मैं अगर जनरल कुछ बातें, कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँ, आपसे पूछूँ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर मतलब जीपी में है या नहीं है, तो उनको हम किस तरीके से देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए, मान लो आपसे पूछता हूँ 2, 4, 8, 16। ठीक है, आप यहाँ देखिए हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, अगर आप ध्यान देंगे, आप देखिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सेम चल रही है। अगर आप रेशो देखें तो 4/2 डेट इज़ द 2, सेकेंड रेशो चेक करें 8/4 डेट इज़ द 2, आप थर्ड रेशो चेक करें 16/8 डेट इज़ द 2। ठीक है, आपकी रेशो सेम है तीनों ही, तो डैट मीन्स ये जो स्क्वेंस है हमारे पास वो किस चीज़ के अंदर है, आपकी जीपी के अंदर कहलाएगी। ठीक, इस तरीके से आपने किसी भी स्क्वेंस को आप डिक्लेयर करते हैं कि वो जीपी के अंदर है या नहीं है। जनरल टर्म के बारे में अगर हमने बात करी ली है, ए फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड आपकी आर से मल्टीप्लाई होगी, और नेक्स्ट फिर आर से मल्टीप्लाई होगी, उससे नेक्स्ट आपके पास फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगी। आपकी जनरल टर्म देखें, इसमें क्या चाहिए, सभी स्क्वेंस के अंदर आपके पास ए तो ए मल्टीप्लाई में है ही है, और आर आपके पास, अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो आर की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड में आर की पावर 2 है, फोर्थ में आर की पावर 3 है, मतलब जितनी भी जोन सी स्क्वेंस निकाल रहे हैं उससे एक कम पावर है आपके पास आर की। ठीक है ना, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। ऐसे ही आप आगे देखेंगे हमारे पास, ठीक है, समेशन ऑफ एन टर्म्स के बारे में। एस एन हमारे पास अगर हमें निकालनी हो, समेशन ऑफ एन टर्म्स, उसको हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंसेप्ट चलेगा। इसमें आपके पास एक कंडीशन रहती है कि जो आर की टर्म, आर की वैल्यू है वो आपके पास, अगर इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है, क्योंकि हम आर माइनस वन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि आर की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन वन हो, तो समेशन ऑफ एन टर्म्स का जो यहाँ फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर वो फार्मूला हम क्या लिखते हैं, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, इसकी समेशन के लिए फार्मूला बनाया कैसे गया, किस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि किस प्रकार से फार्मूला बना। आपके पास एस एन क्या होगा, हमारे पास एन टर्म्स का जोड़, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए आर की पावर एन। अगर आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट क्वेंस कह देता हूँ,
तो AR प्लस AR की पावर 2 प्लस AR की पावर 3 प्लस, हमारे पास इसे पिछली टर्म क्या है, AR की पावर n माइनस 1 है, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे AR की पावर n बन जाएगा, और आगे करेंगे तो AR की पावर n प्लस 1 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इनको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, ये हमने n प्लस 1 टर्म्स का कर दिया, n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ए आर एन तक, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपकी ए जीरो से शुरू होगी ना, आर ए आर की पावर जीरो से शुरू हुई, आर जीरो से लेकर आर एन माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, वो आपकी टर्म्स हमारे पास एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आपकी सेकेंड होगी क्योंकि हम एन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट में हम सेकेंड को माइनस करें तो हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है हमें, एस एन माइनस आर एस एन बराबर में, आप जब इनको माइनस कर रहे हैं तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएंगी, और ये टर्म इसे नेक्स्ट टर्म से कट जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, ए माइनस ए आर की पावर एन। आपके पास यहाँ से एस एन कॉमन निकाल लें, हम यहाँ से ए कॉमन निकाल लें, तो वन प्लस आर, वन माइनस आर की पावर एन, तो एस एन क्या हुआ आपके पास, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये हमने कंडीशन पर किया है कि आर की वैल्यू जो हमारे पास वन से छोटी है, मान लो अगर वो वन से बड़ी भी हो जाती है तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है आपके पास, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस पड़ेगा सिर्फ, और कुछ नहीं है उसमें। हम ये मान के चलते हैं हम सेकंड में से इसमें फर्स्ट में सेकंड घटाइए, फिर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। ठीक है, वो सिर्फ माइनस जो समेशन नेगेटिव पॉजिटिव के कारण आपकी स्क्वेंस पर फ़र्क ना पड़े, आंसर पर समेशन पर फ़र्क ना पड़े, उसके कारण हमने इन दोनों चीज़ों के लिए आर आपके पास लेस देन वन और अगर आर आपके पास ग्रेटर देन वन, ठीक है, वो चीज़ें की हमने, क्योंकि आर यहाँ वन से छोटा है अगर, तो ये मान लीजिए वन से छोटा तो पॉइंटों में हुआ, मान लो ये फाइव है, ठीक है, आपके पास फाइव को जब मैं जीरो पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करूँगा तो छोटा ही आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अगर आर आपका वन से बड़ा, मान लो टू है, टू से मल्टीप्लाई किया तो टेन बनेगा, तो ये टर्म बड़ी होगी। ठीक है, इसलिए हम ये चीज़ हो जाती है, यहाँ इसको टू माइनस वन करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये फॉर्मूले बनाए गए समीशंस के। अब इन्हीं पर डिपेंडेंट हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल है जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास, एग्जांपल नंबर नाइन। एग्जांपल नंबर नाइन में क्या कह रहा है आपको, वो कहना फाइंड द टेंथ एंड द आरएथ टर्म्स ऑफ द जी पी 525 एंड द 125। आपके पास जी पी दी हुई है इन्होंने, हमें यहाँ आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जी पी फाइंड आउट करनी नहीं आएगी हमें, ठीक है ना, कि जीपी आप करें, जीपी है या नहीं है, वो चीज़ें नहीं चेक करनी आएंगी हमें, सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना आएगा हमारे लिए। आप यहाँ से देखते हैं ए कितना आपका 5 है, ठीक है, और आर कितना है 25/5, डेट इज़ द 5। ठीक है, आर इज़ ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या बनेगा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास हमें क्या करना है, टेंथ टर्म निकालनी है, तो ए आर की पावर एन माइनस वन, डैट मीन्स ए कितना है हमारा 5, आर कितना है 5 की पावर 10 माइनस 1, डेट इज़ 5 की पावर 10, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास हमें क्या कहा है इन्होंने, कौन सी टर्म निकालने के लिए कहा है, एन एथ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, 5 इंटू 5 की पावर एन माइनस 1, तो क्या बन गया 5 की पावर एन। ठीक है, आपस में पावर्स आपकी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, उसमें क्या दे रहा है हमें, एग्जांपल नंबर 10 में देखिए हमें क्या दे रहा है, कहना फाइंड द टेंथ एंड द एन टर्म्स ऑफ द जीपी, सॉरी फाइंड द टर्म ऑफ जीपी, जीपी दी गई है हमें 2832 डैश 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 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इज ये हमें जीपी दी गई, तो ए इसकी फर्स्ट टर्म देखिए क्या है हमारी 2, आर कॉमन रेशो 8/2 इजक्वल टू 4, एंड द एन एथ टर्म, ठीक है, वो क्या दी गई है 131,072, ये हमें एन एथ टर्म दी गई है। अब इसी एन एथ टर्म के ऊपर हमने क्वेश्चंस को देखेंगे क्या बनना है, ए आ गया आपके पास आर हो गया, ए एन आपके पास, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन, आगे देखिए ए आपके पास क्या है 2, आर क्या चीज़ है 4 की पावर एन माइनस 1,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसी चीज़ पर बेस्ड हम देखें आगे, तो ये हमारे पास टू है और आर हमारे फोर है, जो फोर टू की स्क्वेयर होता है, तो टू की पावर टू माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई। और यहाँ से आप पावर्स अगर इनको इकट्ठा करें आपस में, ठीक है, आप इन पावर्स को अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टू की पावर टू एन माइनस टू और टू की पावर वन ही है, तो टू की पावर टोटल क्या होगी, टू एन माइनस वन होगी, टू की पावर टू एन माइनस वन। और ये जो रकम है हमारे पास, हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि रकम कितनी बनती है हमारे पास, किस चीज़ की पावर की इक्वल जाएगी, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर है हमारा बनेगा, हमें देखना होगा कि किस प्रकार से बन सकते हैं। ये बनेगा आपका अप्रोक्सीमेट टू की पावर, ठीक है, टेन तक आपको पता है 1024 होता है, उसके बाद का सिस्टम है सारा का सारा ये, ठीक है। ये हमारे पास होता है टू की पावर 17 के। अब आपके पास यहाँ मैंने तो 17 लिख दिया, लेकिन हमारे दिमाग में एक डाउट पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। आपको 2 की पावर 10 तक का कम से कम याद होगा, ठीक है, 1024 होता है। और 2 के पावर में आपको एक रिलेशन ये भी याद होगा कि 2 की पावर कुछ भी हो, यूनिट इज 2 4 6 और 8 ही होता है, और इनका क्रम भी ऐसे होता है, मतलब अगर मैं क्रम कोई सही ढंग से लिख रहा हूँ, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और ठीक है फिर 6। अब ये 4 है, 10 पर 4 है ना, तो 11 12 और 13 पर यहाँ आ जाएगा। मतलब आपके पास 2 है ना लास्ट में, तो मतलब कि 2 की पावर 13 हो सकता है। लेकिन देखें 1000 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 से 1000 को 8 से करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 8000 9000 के करीब आएगा आपका, ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता। तो डेट मीन्स आगे चलें 14 15 16 17 17, मतलब आप लगभग 67 2 की पावर 7 से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डैट मीन्स 128 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 128 से तो 128000 के करीब तो जाना ही जाना है, हो सकता है अप्रोक्सीमेट यही बन जाए, ठीक है, मीन्स एग्जैक्ट ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ से आपके पास 2 की पावर 17 आ जाता है। और आप इस चीज़ को आगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल्स होंगी हमारी, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 17, सो 2n इक्वल टू 17 प्लस 1 डैट इज़ द 18, सो n इक्वल टू 18 बाई 2 डैट इज़ द 9, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11, उसमें क्या कह रहा है आपको, देखिए कहना इन ए जी पी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192, ठीक है। आपको एग्जांपल नंबर 11 में क्या दे रहे हैं, थर्ड टर्म आपको 24 दी हुई है, डैट मीन्स ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 24 फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सिक्स टर्म 192 ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192 सेकेंड इक्वेशन। इस टाइप के जो एपी के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में काफ़ी किए हैं, ठीक है, आप क्या करते थे, क्योंकि वहाँ एपी में दिया होता था आप ए प्लस 2D लिखते तो घटाते थे, यहाँ क्या है ये डिफरेंस दिया, सॉरी कॉम जीपी पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई है आपका, रेशियो है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, आप सेकेंड इक्वेशंस डिवाइड बाई इक्वेशन 1 एंड वी गेट ए आर की पावर 5 अपॉन ए आर की पावर 2 192 बाई 24, ए से ए कैंसिल हो गया, आर की पावर 2 यहाँ से कट के 5 में से 2 कटाएंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर 3, और 24 की अगर आप टेबल पर देखेंगे कि कहाँ पर जाकर आपके पास 192 बनता है, ठीक है, हमें चेक करना होगा अगर देखें तो, ये आपका कहाँ जाता है 8 पर। अब डैट मीन्स ए आर क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया, तो 8 आपका 2 का क्यूब होता है, डैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, कॉमन रेशियो आपका 2 आ गया। अब इस कॉमन रेशियो को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, ए आर की पावर आर आपका 2 है, उसकी पावर 2 24, तो ए क्या हो जाएगा 24 बाई 4, क्योंकि 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, ठीक है। अब इन्होंने कहा गया है आपको फाइंड द 10th टर्म, ठीक है, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ए आर की पावर 9, ए आपके पास कितना 6 है, आर कितना आपके पास 2 की पावर 9 है, हम क्योंकि 2 की पावर 9 तक तो हम बड़ी ही आसानी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं,
ठीक है। और अब वैसे भी याद है हमें 2 की पावर 10 तक 512 होगा, 512 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3072, ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 12, उसके अंदर क्या कर रहा है आपको वो देखें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज दी गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर, 1 + 2/3 + 4/9 + ... ठीक है, क्योंकि हमें प्लस के साथ साइन के साथ दे दी गई, दैट मीन ज्योमेट्रिकल सीरीज होगी आपकी ये। इसके अंदर ए आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1, एंड द कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म दैट इज़ अ 2/3, ठीक है, ये आपकी कॉमन रेशो आ गई। हमें क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो फार्मूला आपके पास, क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो ए 1 - r की पावर n / 1 - r, ए आपका 1 ही है, तो 1 - 2/3 की पावर n / 1 - 2/3, तो 1 - 2/3 की पावर n / 1 में से आप 2/3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/3। इस 1/3 को आपका पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 * 1 - 2/3 की पावर n, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया सम ऑफ n टर्म्स का। अब इसमें इन्होंने साथ में क्या कहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जोड़ भी पता करें, ठीक है, 5s का करना है तो इसी के अंदर हम n की जगह 5 रख दें, 2/3 की पावर 5, तो 3 - 1 - 32 / 243, 3 * आपने 1 में से इनका एलसीएम लेके माइनस कर देंगे, 243 - 32 आपके पास 211 आ जाएगा, 211/243, ये से कट गया हमारे पास 81 पर, डैट इज आंसर क्या बन जाएगा हमारा 211/81, ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन गया, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 13, उसमें क्या कह रहा है आपको ये उसको देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13 में कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव सम, ठीक है, हमें कितनी जीपी स्क्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, टर्म्स की जरूरत पड़ेगी आपको ये आंसर लेकर आने के लिए, कितना 3,969/512 आपको जीपी दी गई है, ठीक है, जीपी जो दी गई है वो क्या दी गई है 3 / 2 / 3/4 ... मतलब फर्स्ट टर्म कितनी होगी 3, आर कॉमन रेशो 3/2/3 डैट इज 3/2 * 3, 3 से 3 कैंसल डैट इज़ द 1/2, ठीक है, ये आपके पास कॉमन रेशो आ गई। एंड सम ऑफ एन टर्म्स कितना देखे आपको, दिस इज लेस देन 1 है हमारे पास, ये आपको सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया गया 3,069/512, तो हमारे पास हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ एन का आपका फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ए 1 - r की पावर n / 1 - r इज्क्वल टू 3,069/512, हम ए और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना आपका 3 है, 1 - 1/2 की पावर n / 1 - 1/2 दैट इज 3,069/512। तो यहाँ से आप देखें 1 - 1/2 की पावर n बचा आपके पास, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या चीज़ है, आपके पास उधर 3,069/512 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 था तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में आपके पास 1/2 था, ठीक है, उधर जाके 1/2 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें बन जाएंगी आपके पास। यहाँ से आप इनका फैक्टर देखते हैं, इनका सिस्टम देखते हैं कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी क्या नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, उन चीज़ों को 3 से आपके पास ये कर सकता है 1023, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास, क्लियर। आगे देखें 1023 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 512 को 2 से, ठीक है, तो 1024, इस चीज़ को हम इस तरफ ले आते हैं क्योंकि जो वैल्यू में निकाल सकते हैं हम उस तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ आपके पास 1/2 की पावर n लेंगे, इनको माइनस करेंगे, 1 माइनस करना है
तो सीधा ही आप, क्योंकि आप जानते हैं ठीक है, हम सेवन्थ एट्थ के स्टूडेंट तो नहीं है कि एलसीएम लेकर करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1024 में से 1023 घटाया तो 1/1024 इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो यहाँ से आपके पास ये कितना होता है 2 की पावर 10 के इक्वल होता है और आपको इक्वल दिया गया 2 की पावर n। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमारे पास, कंपेयरिंग करने पर हमारे पास क्या मिला, n इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये हमारा एग्जांपल नंबर 13 हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा एग्जांपल नंबर 14, उसको हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इससे आपकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपको दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/2। ठीक है, पहली तीन टर्म्स का जोड़ दिया गया है। इसमें क्या रखना है, हमें ख्याल रखेंगे, अगर जब आप जीपी के अंदर आपको तीन टर्म्स का जोड़, ठीक है, या पांच टर्म्स या सात टर्म, सॉरी मल्टीप्लाई दी जाए तीन टर्म्स की, जीपी में तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे सॉरी, तो हमेशा ये मान लें ए बाई आर ए ए आर। ठीक है, पाँच कही जाए तो एक एक आर और बढ़ा देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई कही जाए, और एपी के अंदर आपको जोड़ कहा जाए, पहले ये तीन के लिए ये पांच के लिए, अगर तीन कही जाए तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी, और पांच कही जाए तो ए माइनस टू डी, दोनों तरफ एक एक डी और कर देंगे, ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ठीक है, लेकिन अगर चार कही जाए, जैसे जीपी के अंदर अगर चार की मल्टीप्लाई की बात की जाए, तो फिर क्या रहेगा आपके पास, ये बीच में आर ए वाला ख़त्म हो जाता है, मतलब ये पांच वाला सिस्टम ही सेम हो जाता है, सिर्फ ये ख़त्म हो जाता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से इनकी रेशो सेम तो बनती नहीं, फिर उस चीज़ के कारण आपका क्या कंसेप्ट बनता है यहाँ पर। अगर हम चार के लिए जीपी में बात करें, दो के लिए तो देखें ए आर सॉरी ए बाई आर ए आर, और चार के लिए क्योंकि आर स्क्वेयर का डिफरेंस होगा यहाँ पर, ए बाई आर क्यूब ए बाई आर, ठीक है, ए आर क्यूब ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है आपका, क्योंकि दो डिग्री का डिफरेंस बनेगा, वहाँ दो आर का डिफरेंस था, आर स्क्वेयर का डिफरेंस था, सॉरी रेशियो बनी थी, यहाँ डिफरेंस बनेगा आपका। तो चार के लिए क्या हो जाएगा, जैसे दो के लिए देखिए पहले बात करें ए माइनस डी ए प्लस डी, ये चीज़ ये बीच वाला ख़त्म हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, और चार के अंदर क्योंकि इनमें डिफरेंस दो डी का आ गया, तो इसलिए हम पाँच के लिए करते हुए जैसे हमने क्या किया एक डी और बढ़ाया था, यहाँ फिर एक डी नहीं हम दो डी का करते हैं चार के लिए, a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। ठीक है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें आपको दिया क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी दिया गया, मल्टीप्लाई तो दी नहीं जीपी के अंदर, मोस्टली ये जीपी के अंदर जब आपको मल्टीप्लाई दी गई तब ये माने, एपी में जब जोड़ दिया गया तो ये माने। ठीक है, लेकिन यहाँ जीपी गई और बात की गया जोड़ की, आप ये भी मान लेंगे गलत नहीं है, लेकिन तीन जब भी अगर जोड़ की ही बात कह दी तो अपनी जनरल टर्म लें। ठीक है, लेट जीपी थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, वो क्या रहेंगी आपके पास जीपी की तीन टर्म्स अगर हम बात करें। ठीक है, जनरल आपके पास पहली ए है, दूसरी ए आर है, तीसरी ए आर टू है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब उसी चीज़ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है, अब इनको कर लिया हमने, हमें सम कहा इन तीनों का, ए प्लस ए आर प्लस ए आर की पावर टू इक्वल टू कितना दिया है 13/12। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यही चीज़ हमने सारी कर ली, एंड देयर प्रोडक्ट, यहाँ देखिए जोड़ के साथ साथ प्रोडक्ट भी दे दी आपको, पहले जोड़ की बात कर दी बाद में प्रोडक्ट की बात कर दी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको फिर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होती है, ए आर ए और ए आर यही माने। अब प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल टू माइनस वन, आर से आर कट गया आपके पास, क्या चीज़ आई यहाँ से ए क्यूब इज्कवल टू माइनस वन, डैट इज ए इज्कवल टू कितना आ गया माइनस वन।
ठीक है, ये हेल्प हुई हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने टर्म्स चेंज कर दी हैं, तो a बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, ये चीज़ है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन वन एंड वी गेट ए माइनस वन है आपके पास, माइनस वन बाई आर, माइनस वन माइनस आर इजक्वल टू 13/12, ये चीज़ होगी हमारी। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, माइनस तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, चाहे ना भी निकालें, माइनस वन बाई आर माइनस आर बाई वन 13/12, आपका ये माइनस वन उधर के प्लस का हो जाएगा। आप इन दोनों का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं आर, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आर अब अगर आप, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, माइनस वन माइनस आर की पावर टू इजक्वल टू, इन दोनों का आपने इधर एलसीएम ले लिया, तो 25/12, ठीक है। फिर हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप अगर, तो क्या होगा, 25R इजक्वल टू माइनस 12 माइनस 12R की पावर 2, दोनों को हम इस तरफ ले आए, 12R की पावर 2 प्लस 25R इस तरफ है ही, प्लस 12 इजक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 12 144 आना चाहिए, और ऐड करके 25 आना चाहिए, तो 16 और 9 ये बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे फैक्टर क्या बनेंगे इसके, अब वो देखने आपको, इसके फैक्टर क्या बन गए आपके, 3R+4 एंड 4R+3, ठीक है। और यहाँ से फिर R की वैल्यू क्या बन गई आपकी, -4/3 एंड -3/4, ठीक है, आपके पास ये फैक्टर बन गए। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वैल्यूज पता कर लेनी है, ठीक है। R आ गया आपके पास, A आ गया, अब आपको करना क्या है, स्क्वेंस की तीनों टर्म्स लिखनी है, ठीक है। अगर ये है पहले आपकी, क्योंकि ए तो माइनस वन है ना, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, अगर ये है तो अपॉन में आपके पास, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। इफ आर इज इक्वल टू -4/3 देन टर्म्स, ए माइनस है तो आपके साइन तो चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है, और अपॉन में होने के कारण इसका उल्टा, 3/4 -1, ठीक है, एंड 4/3, वहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। इफ़ आर इज इक्वल टू -3/4 देन टर्म्स, पहले ए से मल्टीप्लाई करके प्लस होगा इसका निशान, ठीक है, और अपॉन में तो रिवर्स, 4/3 ए माइनस वन, ए को आर से मल्टीप्लाई मिला, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/4, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। इसी तरह हमारे पास आगे देखेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक अलग तरह की ही रिलेशंस बनाने होंगे, क्योंकि हमें 777, 777, 717, 777, 777, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, उनका जोड़ करने के लिए कहा गया है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 15 से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कह रहे हैं आपको वो देखें, ठीक है, कहना है पर्सन हैज़ टू पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ओम, मतलब आपको जीपी की स्क्वेंस दे रहे हैं, पहले दो हैं, फिर चार हैं, फिर आठ हैं, टू -, फाइंड द नंबर ऑफ हिज असेंटर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रोसीडिंग इज अवन। तो इसकी 10वीं जनरेशन तक बताएं कि कितने असेंटर, कितने उनके घर में परिवार में लोग हुए होंगे, ठीक है, अगर इसी रेशियो के हिसाब से उनका सिस्टम चलाओ, डैट मीन्स ए हमारी फर्स्ट टर्म 2 है, आर आपका 4/2 इजक्वल टू 2 हो गया, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कही है इन्होंने, 10, मीन्स 10वीं जनरेशन तक बताना है। तो एस आर टोटल पर्सन कितने हुए होंगे, एस आर बताना है आपको, एस एन सम, सॉरी एस आर के एस सम ऑफ एन टर्म्स, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आपको एस 10 निकालना है, तो ए कितना आपके पास, 2 की पावर 10-1/2-1, ठीक है, आपके पास ये 2 की पावर माइनस वन तो 1 ही हो गया, 2 ये कितना है, 1024-1, ठीक है, तो आपके पास 2 × 1023 दैट मीन्स 2046,
persons, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और हमारा जो एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब हम देखेंगे, ठीक है, तो उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपके सेम दिए हुए, तो वहाँ हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना होगा, कैसे हम उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, वहाँ पर ध्यान देंगे अगर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ तो, ठीक है, या हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन करें हमें, अभी हमारा ये एग्जांपल्स नहीं, हमें नोटबुक प्रॉपर से बन नहीं पाएगी हमारी। चलो देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस टाइप का अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हुआ 9.3 में, तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल नंबर 15 में देखिए आपको दे क्या रहा है, ये कहना फाइंड द सम ऑफ द स्क्वेंस, मीन्स ऐसे ना निकालना है हमें किसका, 7 + 77 + 777 + 7077 + 7077 --777 ठीक है, टू एन टर्म्स, ठीक है, ये कहा है हमें। अब इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आपको, किसी भी तरह का क्वेश्चन जिसमें सेम डिजिट हो आपकी, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे विदाउट डेसिमल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड उसका, टेक्निक करने का तरीका, सॉल्व करने का सेम रहेगा आपका। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इस अक्षर को जो कॉमन है सभी में, उस अक्षर को कॉमन निकाल लें, ठीक है। अंदर वन 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 रह गया, ठीक। फिर क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो अंदर 9 9 बन गया, आपके पास ये, क्योंकि 1 से बड़े नंबर थे, ठीक है, इसलिए इनको आप 10, 100, 1000 इनके माइनस करेंगे। अगर ये 1 से छोटे होते तो 1 माइनस में चले जाते आपके पॉइंट्स में, ठीक है, मतलब 0.9 होता तो 1 - 0.1 वो बन जाता हमारा। 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1 + --2 n terms, 7 by 9, इसमें जो आपके ये हैं 10, 100, इनको आप अलग कर लेंगे, 2 n terms, माइनस कॉमन निकाले मैंने 1 + 1 + कहाँ, इतनी बार है ये n times, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसमें देखिए आपके पास ये क्या बन रहा है, जीपी की टर्म बन रही है, जीपी में, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 10, आपकी रेशियो क्या बनेगी, 10 की पावर n -1/10 - 1, माइनस 1 को मैं n टाइम्स जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो बाहर 7 by 9 है और उनको हमने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई सिस्टम को, तो यहाँ से हम आपके पास ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इनके दोनों को इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, 7 by 9, नहीं चेंज करना चाहें तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, 10 × 10 की पावर n, इस 10 को मैंने मल्टीप्लाई करूँगा मैं अंदर करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, n + 1 बन जाएगा, -10, ठीक है, 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है, by 9, और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, -9 n, ठीक है। और आपका जो ये नीचे n है, नीचे 9 है, ये इसे बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मीन्स दोनों को इकट्ठा करने के लिए। आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा कुछ आपका ठीक है। आप मान लो इसी फॉर्म में सिर्फ घटा कर लिख देते तब भी आपके पास वो आपका आंसर सही था, ठीक है ना। ये तो हमने सिर्फ अपने सिस्टम को थोड़ा सा और आगे आइडेंटिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर लिया, क्लियर। इस तरीके से हमारा ये एग्जांपल नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हमने एग्जांपल नंबर इस वीडियो के अंदर एग्जांपल नंबर हमने 9 से 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे का काम आता है वो ज्योमेट्रिकल मीन और रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन में आते हैं। इनको हम जब एक्सरसाइज के अंदर हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम स्टार्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेट वो आपके क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होंगे, 25 तक अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आप जो क्वेश्चन करके देखना भी चाहें, ठीक है, पहले 25 तक क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के करके देखें, और उनमें आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भेजेंगे। वैसे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मोस्टली सॉल्व करूंगा भी,
लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बार आप खुद भी ट्राई करें, सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को, देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जो 9th 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्क्वेंस एंड सीरीज करना चाहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। आपका कोई भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।